सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी के ऑफिशियल एडिटिंग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ स्नैपसीड से फ़ोटो एडिटिंग, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी थंबनेल में देख ही चुके होंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। मैं अपने स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और जिस भी फ़ोटो को एडिट करना होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसी फ़ोटो को एडिट करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, इसको हम ले लिए हैं। उसके बाद पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ट्यून इमेज पर क्लिक करेंगे, ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे, सैचुरेशन को फुल्ली से इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ से फुल्ली से नहीं इतना। उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद हम देखिए एडजस्टमेंट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सही वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एडिट स्टॉक पे क्लिक करेंगे, व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे, ट्यून इमेज पे क्लिक करके ब्रश वाले आइकन को ले लेंगे। देखिए मैं इसको ले लिया हूँ। उसके बाद हम कुछ इस प्रकार से अपने फेसेस पर, स्किन पर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं जल्दी जल्दी। मैं आप लोगों को नॉर्मली बता रहा हूँ एडिटिंग, ये नहीं कि मैं फुल्ली से आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, केवल आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बताते हैं। सो फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे इरेज। सॉरी, अभी तक इरेज नहीं हुआ है। सो तो देखिए ये कर लेते हैं हम। उसके बाद हम सही वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद देखिए हमको फिर से पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है, डिटेल वाले आइकन पर क्लिक करके स्ट्रक्चर को इंक्रीज कर देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम सही वाले आइकन पर क्लिक कर देते हैं और पेंसिल वाले आइकन पर फिर से क्लिक करके यहाँ पे देखिए हमें पोर्ट्रेट वाला आइकन है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। बैक हो जाने के बाद देखिए ये काम नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स, तो देखिए हम इसको अपने फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देने के बाद देखिए हमको यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देते हैं अपने फ़ोटोज़ को। ऊपर कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन दिखाएगा, देखिए तो हम इस पर क्लिक करके लाइटरूम एप्लीकेशन में इंटर हो जाएंगे और देखिए यहाँ पे ऑल फोटोज़ पर क्लिक करेंगे। ऑल फोटोज़ पर क्लिक कर देने के बाद मैं एक प्रीसेट कॉपी करने वाला हूँ, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे अगर कोई एडिटिंग से रिलेटेड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप लोग हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और कॉपी सेटिंग पर क्लिक करके सही वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हम अपने जिस भी फ़ोटो को शेयर किए रहे होंगे हम उस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट। सो अभी तो मेरा फ़ोटो यहाँ पे देखिए शेयर हो चुका है, तो मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फिर से यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे, तो मेरा फ़ोटो देख लीजिए फुल्ली इजीली एडिटिंग हो चुका है। देखिए तो मेरा फ़ोटो एडिटिंग हो गया है, कुछ इस प्रकार की एडिटिंग हो जाएगी आप लोगों को जब इस प्रकार से कर देंगे तो। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना कर लाता हूँ। धन्यवाद गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए।